क्षेत्र में एक रिटायर्ड बुजुर्ग के साथ एक लूट की घटना हुई थी। उन्हें झांसा दिया गया था कि जेसीबी से खेत का समतलीकरण कराया जाएगा और समतलीकरण का पैसा जब आएगा तो वो उनको वापस करेंगे। घर वो बैंक गए, बैंक से 13.5 लाख रुपए निकाला और निकालते ही वापसी में 3 लोग आके उनके साथ रकम लेकर जो है गायब हो गए। इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, 2 अन्य फरार सदस्यों की पता तलाशी की जा रही है। ये लोग ट्रेन से दोबारा बिलासपुर आकर इस तरह की घटना दोबारा करने की कोशिश में थे। ये बालोद में पेशी पर आए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के आरोपियों के द्वारा भी इनके द्वारा लूट की गई है। अलग अलग राज्यों में इनके द्वारा बहुत सारे लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। ये बुजुर्ग कौन है? ये भी है सर। लूट 67 के हैं। थोड़ा पीछे लोग सर, तो कितने सर? 6 6 तो कमाने का देख नहीं रहा। आप बताओ ना, ये मेन है बालू। अब जब सीसीटी पीसी वीसी है, सीसीटी तक खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा से प्लेस हो ना, चलो ना काट, चलो और थोड़ा से और की खसला है, मत ठीक है सर। लोन अभी चालू है। क्या नाम है बबलू? इतना दुखी दुखी क्यों लग रहे हो? लूट के टाइम तो कोई दुख नहीं हुआ तुम्हें, इतने सारे नोटों पे कब्जा जमा लिया तुमने। पहली बार किए हो, पहले भी किए हो? दूसरा लाया था ठेकेदार, वो परवीन आलम। परवीन आलम तुम्हें लेके आया था? नहीं नहीं, ये तो लूट तुमने किया ना? नहीं, उन्होंने लिए थे पैसे। उन्होंने पैसे लिए, मास्टरमाइंड फरार है अभी परवीन आलम। तुम्हें क्या बोल के लेके आए? 1 लाख रुपये तुम्हारे ले जाओ, हमारे पहले हमने लिए थे, हमने चाचा ने 1 लाख रुपये उधार उनको। 1 लाख रुपए के आवाज में तुम आए थे यहाँ पे? तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान का। राजस्थान का रहने वाले हो? पहली बार इस तरह का लूट किए हो, पहले भी किए हो? पहली बार किए हो। तो राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हो? करौली। करौली, यहाँ क्या बोल के लेके आए थे तुम्हें? या तो फेरी करते थे बिलासपुर रोड पे, कपड़े जो लोग टी शर्ट बेचते हैं। फेरी का काम करते हो, टी शर्ट बेचते हो, तो फेरी का काम करते करते ये सब हेरा फेरी कैसे करने लगे? नहीं बुला गया, गलती हो। नहीं, वो तो गलती तो सबसे होती है, गलती है तभी तो ये हाल है। गलती नहीं करते तो फिर यहाँ लाते ही क्यों? तो ये कब, ये इसकी प्लानिंग कब करी? तुम्हें फोन किया सुबह कि आ जाओ? तुम कहाँ थे उस टाइम? बिलासपुर रोड पे थे। बिलासपुर रोड धावे पे थे। वहाँ से तुम कहाँ पे आए? मोटरसाइकिल से। हम दोनों जने आए थे। आप दोनों मोटरसाइकिल से आए? कहाँ आए मोटरसाइकिल से? दुर्ग में। दुर्ग में आए, फिर क्या किए? फिर उन्होंने बोला कि अंडा आ जाओ। अंडा आ जाओ तो अंडा चले गए। फिर क्या किए? बस वो वहाँ पे आलम मिल गया। आलम मिल गया, आलम हमें लेके वहाँ चला गया। मतलब कहाँ चला गया? खेत जहाँ पे उन्होंने जमीन बनाया, जमीन बनाया था। फिर क्या हुआ? बस जमीन बनाया वहाँ से तो वहाँ लेके पहुँच गया हमें। हाँ, वो फिर भी नालम वो इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। उन्हें हाँ, अपना हिसाब वसाब किया। हाँ, हिसाब करके बोले कि चले जाओ उनके संगे। तो फिर उन्होंने बोला और आलम के चलो पैसे ले आते हैं, पैसे ले आते हैं, तुम्हारे पैसे दे देंगे, दे देंगे। फिर ला के उन्होंने मतलब यहाँ से पैसे लिए। पैसे लेके कहाँ पैसे लिए? बैंक से बाहर जाके उधर रोड पे, कोई रोड था उस रोड पे जाके पैसे लिए, छीन लिए? नहीं, पैसे उन्होंने खुद बैंक में से निकाल के दिए मेरे सामने। पैसे निकाल के दिए? कितने निकाल के दिए? 13 लाख रुपये। 13 लाख रुपए बैंक में से निकाल के दिए, ये सामने थे। अरे भाई, जब निकाल के दिए तो शिकायत क्यों करेगा भाई? अब निकाल के उन्होंने पैसे दिए, फिर वो लोग वहाँ से आलम प्रवीण चले गए। हम दोनों चाचा मोटे, उनको फायदा। 13 लाख रुपए किसने दिए? किसान ने दिए थे। किसान ने दिए थे? किसान? 13 लाख किसान ने दिया था? काले बैग समतलीकरण के नाम पे 13.5 लाख दिए। किसको दिए? उन लोगों को दिए। फिर लूट का इल्जाम क्यों लगाया? लूटे मारपीट करने पर छीन करने की बात 50,000 की हुई थी। समतलीकरण का 50,000 देना था। समतलीकरण तो 50,000 का था। 13 लाख देने नहीं था। 13 लाख के हिसाब से लेबलिंग करी है उन्होंने। बालोद में 5,000 के हिसाब से। तुम बालोद में कर चुके हो तुम ऐसे ही?
तुम कभी जेल गए हो? हाँ मैं गया तो किस चीज कौन से केस में गए थे? वो आलम और प्रवीण के चक्कर में। आलम और प्रवीण के चक्कर में एक बार जेल चले गए आलम और प्रवीण के चक्कर में, तो दोबारा तुम्हें आने के लिए किसने कहा? 1,00,000 रुपए ले रखे थे। 1,00,000 रुपए की लालच में तुम दोबारा आ गए, ठीक है। 1,00,000 की लालच में कुछ दिन और जेल पिछले कितने जेल रहे थे? 17-18 दिन। तभी तो दोबारा जेल जा रहे हो? नहीं तीसरी बार है, दो बार अगस्त में भी किया था ना, 18 में अगस्त में भी किया। नहीं कितनी बार, कितनी बार जेल गए हो? नहीं एक ही बार सर। कितने दिन के लिए? 17-18 दिन के लिए। कौन सी धारा लगी थी? 420। 420 तुम तो हो ही 420 केस तो है इसका। दोबारा किसानों को मॉडल सप्रेंडी, इनका मॉडल सप्रेंडी बड़ा क्लियर है। किसानों को समतलीकरण का पहले ये देते हैं, फिर वो जो पैसा ज़्यादा पैसा निकलवाते हैं, और जो किसान ज़्यादा पैसा निकालता है उसका पैसा लूट के फरार हो जाते हैं। ये तो तुमको 1,00,000 किसी का, तुम तो कुछ काम भी नहीं किए थे समतलीकरण का, तुमको 1,00,000 किसी का मिलने वाला था। उसने वो बालोद वाले केस में उसने हमसे लिए थे पैसे 1,50,000 रुपये। बालोद वाले केस में 1,50,000 किसी के लिए थे? हमने जो मतलब मैं पकड़ा गया था ना वहाँ पे मेरा पैसा लगा था, पैसा हमने फिर भी उन्होंने लिया था 2,50,000 रुपये। मैं पकड़ा गया था, मेरे 2,50,000 रुपये लगे थे उसमें। किसमें 2,50,000 लगे थे? केस लड़ने में किसान को दिए थे मैंने, तो वो पैसे 1,00,000 उन्होंने दे दिए थे, 1,50,000 मेरे रह गए थे। तुम लोग सीरियल फ्रॉड, ये लोग सीरियल फ्रॉडस्टर्स हैं। सारे किसानों को भी बात समझने की आवश्यकता है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो इन फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें, नहीं तो ये पहले भी दूसरे राज्यों में कर चुके हो क्या? तो पीछे हो ये सब बताएंगे, ठीक है। तो बहुत ही चालसाज आदमी है। चाचा को पूछें, चाचा ही बताएंगे। रुकिए, क्या नाम है? सरकारी अधिकारी बोलते थे सरकारी कैमरा लगा है बोलता है। इसमें कैमरा लगा है, इसमें कैसे चलवा रहे हो बोलता है। सरकारी अधिकारी बन जाते हैं, चेक कर रहे हैं। आप क्या काम करते थे धोखाधड़ी में? नहीं आप ये दरी कम्बल का बाग बेच काम करते थे दरी कम्बल का। अच्छा, वहाँ से फोन करा था उन्होंने जी, अभी क्या नाम बताया इनका, वो परवीन तो आलम, इन्होंने फोन किया कि भाई अपने तुम पैसे, तुम्हें लेने तो पैसे आप ले जाओ। तो हम दोनों जने मोटरसाइकिल में तो चला नहीं पाता, आँखों से ले जा रही नहीं था। चलो पीछे हो जाओ, चार सात लोगों से कितनी बात करेगा। इधर आ जाओ, दो हरे हरे एक साथ जैसे टी शर्ट में और एक आ जाओ। क्या नाम है? अली मोहम्मद। अली हंसी आ रही है आपको। आप क्या काम करते हैं? हम फेरी का काम करते हैं सर। हम आप ही क्या, आप कैसे इसमें फंसे? हम नहीं आए, हमें तो बस जो सर ले आए थे बस साथ ही। पैसा कितना मिला? 15,000 रुपये हमें दिए। किस चीज़ के लिए 15,000 मिला तुम्हें? हम सर उधर फेरी लगा रहे थे, बोले 1,00,000 रुपये वहाँ से ले आए, तो उसमें से हिस्सा हमारा भी था ना। हिस्सा जो हमने पहले दिए थे, हमने चीज वसद रख के हमने दिए थे, वो उन्होंने हमें वापस दे दिए। कोई बात नहीं भाई, जब लूट का पैसा जब लेते हैं ना तो किसान की शक्ल नहीं देखी। अभी तो यार जेल में जाओ ना, इसकी फोटो ले लेना किसान की, अपने पास रखना, डेली देखना एक बार फोटो, ठीक है। तुम्हें यही दुख है ना, शक्ल नहीं देखी, 15,000 रुपए ले लिए, तो डेली शक्ल देखना, फोटो खींच के दे देना इनको, ठीक है। सर बेकसूर जा रहे हैं, बेकसूर भैया, कोई हमारा मैटर नहीं, कोई भाई माननीय न्यायालय, जो माननीय न्यायालय में रखा जाए। यहाँ पे किसी को दबाव तो नहीं डाल रहा था, आपने बोल दिया आपने कुछ नहीं किया, तो वैसा सही, माननीय न्यायालय में अपनी बात रखना। लूट के पैसे तो लिए ही, लूट का पैसा जो लेगा वो जानते हुए ले, अज्ञानता वर्ष लूट का पैसा लिया है तुम लोगों ने? उन्होंने, हमने नहीं लिया था। हाँ तो भाई भरोसा क्यों किया ऐसे आदमी के ऊपर, लुटेरे के ऊपर, दो बार जेल जा चुका है, पता नहीं। ये जानते थे यही काम कर, आपको जानते हैं, दो बार जेल गया है ये, और हम पहली बार जिंदगी में भाई ये बालू तक नहीं मानता, दो बार जेल गया है ये, बता तो रहे बता के दिया पैसा वहाँ से, और ये बता के दिए कि पैसा वहाँ से लेके आए हैं। 6 अप्रैल को फिर क्यों आ रहे थे साथ ट्रेन में बैठ के? ट्रेन में बैठ के क्यों आए थे फिर? फेरी करने जा रहे थे। हमें ये पता थोड़ी थी कि ऐसा मामला होता था, हम सर अभी नहीं आते, ईद के बाद आते, हमें ऐसा पता नहीं। फेरी के बहाने फिर जेसीबी लाता है? नहीं सर, बस उनको देखो यार, इन लोग माननीय न्यायालय में अपनी बात रखेंगे, ठीक है, इनको अधिकार है अपनी बात रखने का, ठीक है। इधर आओ, पिछली बार क्या गुल खिलाए थे जब जेल गए थे? पिछली बार क्या किए थे जब जेल गए थे ना, पिछली बार क्या किए थे? वो कहाँ का केस था? वो बालो था। क्या केस था वो? वो जमीन का ही केस था। जमीन का क्या केस था? वो फिरवीन ने और आलम ने 2,50,000 रुपए लिए थे। हाँ, किस चीज के 2,50,000 लिए थे? जमीन लेवल करने की। जमीन लेवल करने का क्या किया उन्होंने? उन्होंने केस करा था। केस किस चीज का किया उन्होंने? ज्यादा पैसे ले लिया मेरे पास।
कितना ले लिया था? लोग 2.5 लाख लिए थे, उन्होंने बताया था कि मेरा 1 लाख तक का समथिंग काम है। हाँ, और 2.5 लाख कैसे ले लिया? तो उन्होंने मतलब फुट के हिसाब से काम किया था, 5 रुपए फुट के हिसाब से करवाया था, फुट के हिसाब से 2.5 लाख रुपए बने थे जो उन्होंने दिया था 2.5 लाख रुपए। मैंने मशीन वहाँ पे मशीन पे ही था, मैं मेरा नंबर था, सब चीज था, तो मेरा नंबर लेके उन्होंने फोन करके मेरे घर चले गए, मुझे लिया है। ये जब फेरी वाला तो जेसीबी कहाँ से लाया था? अभी ये देखो, ये लोग जेसीबी हमारे पास नहीं था सर, कहाँ से लाया? तो जेसीबी काम क्यों कर रहे थे? उन्होंने चलवाया था सर। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी दोस्ती कैसे भी उससे राजस्थान के ही साहब, हमारे मतलब जिले के मामले को। तो तुम जेल कैसे गए थे? मैं बता दे रहा हूँ सर। हाँ, जब उस समय तो मैं उनके संग काम पे था ना, संग पे काम कर रहे थे ना जेसीबी का। हाँ, जब उस समय तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे थे उस टाइम? उस समय की सजा भोगी है साहब। सजा क्या भोगी है? किसानों को बेवकूफ बनाते हैं, उस टाइम की सजा भोगी है? इसमें तो नहीं है, दो केस झूठ बोल रहा है। ये लोग लगातार किसानों के साथ, पहले वो जेसीबी दिखा के सस्ता काम करने की बात करते हैं, जिसका जहाँ काम 1 लाख रुपए का हो तो ये बोलते हैं 50,000 में कर देंगे। जब 50,000 में काम करते हैं तो 50,000 कहते हैं हमें नगद चाहिए। किसान बैंक जाता है, वहाँ से पैसा निकालता है, अरे वो 1.5 लाख निकाला और 1.5 लाख लूट कर लेंगे, 2.5 लाख निकाला 2.5 लाख लूट कर देंगे, 10 लाख निकाला 10 लाख लूट के ये लोग फरार हो जाते हैं। ये किसान 3.5 लाख रुपये क्या बोला? क्यों जमीन खरीदना था तो वो जमीन खरीदने के FD तुड़वा के अपना 3.5 लाख निकलवाया था। और इन्होंने और ये परमानेंट इन्होंने वकीलों को अपने साथ रखा है, टीम बना के जब भी लूटपाट हो करते हैं उसके बाद फिर केस लगाए, केस लड़ते हैं 15-20 दिन में छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसानों को भी समझने की ज़रूरत है कि जब भी वो ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं अपने बैंक से तो किन्हीं ऐसे फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें। सर, ऐसे लोग जब थाने के थाना क्षेत्र में दिखते हैं तो थाना प्रभारी लोग क्यों नहीं जांच करते? निश्चित रूप से ऐसे फेरी वाले लोग खतरा है। ये लोग इनका मॉडल पेंडा ये रहता है कि ये लोग जैसे ये बिलासपुर में अभी कर रहे थे काम, तो बिलासपुर में कर रहे थे, फिर बीच बीच में आते थे, वहाँ से नई जगह पे आके इस तरह का काम को अंजाम, जब काम करने आते थे तब ये फिर ये काम नहीं करते थे। साथ काम ईमानदारी से करते हैं सर, फिर बीच में 2-3 किसानों का काम सस्ते में कर दिया, 50,000 में 1 लाख का काम, विश्वास जीता। फिर जो आदमी ज़्यादा पैसा निकाल लिया उसका ये लूटपाट करके भाग जाते हैं। कितने लाख का काम कराया प्रार्थी? क्या बता रहा है कितने लाख का काम कराया उसने? प्रार्थी बता रहा है 27 लाख मांग रहे थे, सरकारी तुम्हारी जमीन है तो 50,000 में बात क्यों की? फिर ये FD निकालने का उसको जमीन नहीं नहीं क्या बताया? ठीक है बताओ ना यार, कैसे FIR करते हो तो उसको पता भी तो होना चाहिए, बताओ क्या बताया? सर कि ये 27 तारीख को काम करते हम सरकारी काम पर, जैसे भी काम करते हैं सरकारी जब संतलीकरण का काम करते हैं। 27 तारीख को ये लोग 3 लोग पहुँचे प्रार्थी के पास में और बोले कि जमीन हम लोग समतलीकरण कर लेंगे। ठीक है, फिर उसने बोला कि मेरे को नहीं करवाना है, फिर भी उसको बोले कि 2-3 हज़ार रुपये लगेगा मात्र, हो जाएगा। तो उसने बोला मैं बताऊंगा अगले 28 तारीख को ये लोग जेसीबी लेकर वहाँ पहुँच गए। प्रार्थी के बेटे ने बताया कि कौन आ गया, तो वो देखा मैंने अभी आपसे पक्का तो किया नहीं, फिर भी बोले चलो 2 हज़ार रुपये लगेगा। फिर 28 को समतलीकरण कर दिए, बोले पैसा कितना हुआ, बोले वो कंप्यूटर से बिल निकलेगा कल आके बताएंगे। 29 को सुबह ये 3 लोग आए, जैसे इसके पीछे पीछे और 3 लोग आ गए, उन 3 लोगों ने बोला कि पैसा देना है। तो जो बाद में 3 लोग आए थे उन्होंने बोल दिया कि एक तरह से सरकारी अधिकारी तरफ पर कि आपने जेसीबी सरकारी इस्तेमाल किया है, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई आपने सरकारी जेसीबी इस्तेमाल किया? और उसको 2-3 झापड़ वहाँ घर में मार दिया। उसको प्रार्थी को लगा कि ये वाकई में कोई सरकारी जेसीबी है या सब, तो फिर उसके ऊपर प्रेशर बना है कि तेरे को 27 लाख देना पड़ेगा नहीं तो जेल जाएंगे। किस चीज़ का 27 लाख? इस जमीन समतलीकरण के लिए सरकारी जेसीबी इस्तेमाल किया, उस पर कैमरा लगाया और ये रिकॉर्ड हुआ हमारे कंप्यूटर के सर्वर में और फाइन हो गई, तो जेल जाओगे। उसको धमकाने वाला कौन था? फिर उसको ये सरकारी मशीन जो चली है साहब बता रहे हैं वो पहले हमसे पहले चली है, यानी हम तीसरे दिन या चौथे दिन बुलाया मशीन चली है। तुमने आके बोला कि 27 लाख का बिल बना है? नहीं नहीं साहब, उन्होंने बोला तो कैसे बोल दिया उन्होंने? काम नहीं किया उतना तो स्क्रिप्ट का पार्ट, उसके बाद उन्होंने ही काम करा। अरे उन्होंने क्या काम करा? 27 लाख का काम होता है समतलीकरण? नहीं, 27 लाख काम होता है? नहीं होता, नहीं बोला साहब हमने 27 लाख में, नहीं बोला जुबान से नहीं। तो 27 लाख कैसे ले रहे तुम लोग भाई? 27 लाख रुपए समतलीकरण होता है 27 लाख रुपए का एक दिन में? नहीं होता सर, 1.5 एकड़ जमीन 1.5 एकड़ जमीन में। और तुम लोग वहाँ पहुँचे हो बाहर लेके पैसा लेने के लिए, 1 लाख रुपए लेके भाग गए?
अब कहानी सुनाते हो मुझे सामने एक लाख पैसा तो ये भी है ना बैंक को बैंक से लिया बैंक को सर उसको कितना पैसा दिया तुमने कितना पैसा दिया तुमने एक लाख अरे बैग पैसा पूरा पैसा का बैग किसने लिया प्रवीण ने और इनको दिया ना मैं पैसा नहीं इसने लेके प्रवीण को दिया सेवा की बहुत आवश्यकता है तुम लोग जो है ना तुम लोग जो है ना सच बोलोगे अभी पाँच रुपए फुट के हिसाब से बताया कितना फुट था वो कितना फुट था पाँच रुपए फुट होगा कितना फुट हुआ अब सामने खेत देखिए पाँच रुपए फुट होगा कितना फुट होगा 27 लाख रुपए खेत तो बहुत बड़े बड़े बना अरे एक एकड़ खेत बिगड़ कितना होता है दो खेत बनाया था हमने दो खेत कितने एकड़ कितने स्क्वायर फीट होगा दो खेत 50,000 स्क्वायर फीट 1 लाख स्क्वायर 27 लाख समझ लो 27 लाख का मतलब 5 लाख स्क्वायर फीट मुझे समझा नहीं सारे की एक स्क्वायर फीट 5 रुपए का होगा समझते नहीं करेगा 15 एकड़ जमीन हो जाता है 5-10 एकड़ मुझे कहानी सुनाते हो सर प्रार्थी की और कहाँ है तुम्हारा एग्रीमेंट वो उन्हीं के पास है लिखा पड़ी दो बार जेल गए पता है वो आदमी दो नंबर का आदमी है दो बार उसके साथ जेल गए हो और उसी के साथ आके पैसा लेके जा रहे हो मुझे कहानी सुना रहे हो उसके बाद लिखा उसको पकड़ा जाए पकड़ा जाएगा जनाब जनहित तो पकड़ा जाएगा आप तो कहानी सुना रहे हो ना उसके बाद लिखा पड़ी भी था उन्होंने लिख के उत्तराच ने दिया डायरी में लिख के दिया बैंक ये भी गया था साथ में मोटरसाइकिल में बैठा के ले गए मोटरसाइकिल बैठा के लाए हैं 27 लाख कहीं ना कहीं वो भी दबाव में आया होगा जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं निकाला है निकाल के लिटरली उसको मार के बुलाया लेकिन उसको ही बुलाना चाहिए था यार क्योंकि मतलब उसी को बताया था ना कि लेन देन का मामला है ये आज को अच्छे समझ नहीं आ रहा उसको भी बुलाना चाहिए ना पैसा उससे ले लिया ये और लेके लात मार के भगाया उसको भी लेके आना चाहिए था प्रार्थी को यार एक तो FIR देख के ही प्रथम दृष्टया लेन देन का FIR लगता है भाई वो खुद निकाला है खुद निकाला ना खुद दिया ना इनको सरकारी जिस भी चल रहा है वो रिकॉर्ड हो गया है कंप्यूटर में पूरा इसमें कैमरा लगा है और तुम जेल चले जाओगे और 27 लाख दबाव बनाने उसको इतनी रकम अगर कोई लेने जाएगा खींचने लेकिन मनसा तो होगी ना FID तोड़ने की भाई FD तोड़ने की मनसा तभी हुई ना देने की कुछ ना कुछ तो मनसा होगी ना डरा है वो जमीन खरीदने के लिए FD तोड़ रहा है की इनके दबाव में FD तोड़ रहा है देखो दबाव में तोड़ रहा है जमीन के नहीं तोड़ रहा है जमीन के बाद उसने बैंक मैनेजर ने पूछा इन लोगों को डराया था तो इन लोगों को पहले समझाया था कि जमीन के नाम से इसके साथ जो आरोपी गया था उसने बैंक मैनेजर बोला कि मेरे रिश्तेदार हैं इनको जमीन की रजिस्ट्री करा लेकिन उसको ही लाके पूछताछ करें जो प्रार्थी है ना उससे ही पूछताछ करें और ये है कि इन्होंने बिना एग्रीमेंट के किया होगा समतरीकरण तो उसने डराया होगा इसने दे दिया लेकिन गड़बड़ आदमी तो है ही पहले भी जेल जा चुका है दो बार नहीं प्राइवेट जमीन थी बेसिकली बिना एग्रीमेंट के करवाया होगा तो कर दिया तब कहा कि इतना वो डर गया कि सरकारी JSP से मेरा काम हो गया करके ये डर गया कहीं ना कहीं ग्रामीणों को ऐसे बाहरी लोगों से बिना दस्तावेज के काम कराने के पहले सोचना चाहिए और वो भाग क्यों गया वो प्रवीण वो फ़ोन लगाए तुम लोग कि आ जाओ वहाँ मोबाइल क्यों बंद किया उसने सही आदमी है उसके पास एग्रीमेंट है उसके पास सब कुछ है तो क्यों फ़ोन बंद कर लिया उसने जरा बताओ मुझे झूठ बोलने वाला चोरी करने वाला सच कहाँ बताएगा सुन रहे हो सब मिले हुए देख रहे हो ना वही है परवीन और वो तो है ही है पहले जेल गया है तो उसके साथ काम में आना ही नहीं चाहिए था बोला था मैं इस तरह काम नहीं करूंगा जब पता था पहले वो पैसा ऐसे ही छीन के भागता है तो वो छीना हुआ पैसा लेना ही नहीं चाहिए तुम लोगों को पैसा वो काम पे नहीं गए इनके सामने छीना था तुम्हारे सामने लिया पैसा हाँ पैसा तो मालूम था पैसा झूठ बोल के लेता है तुम्हें मालूम है धोखा देके लेता है तो पैसे का तुम्हें लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए तो दूध पीते बच्चे हो तुम लोग की बिना आपको लेके आया तुम लोगों को दूध पिला दिया मुंह घुसा के नहीं बिल्कुल गलती हो गई जबरदस्ती दिया मैंने मना किया मैंने मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 1.5 लाख 1.5 लाख दे बोलता 50,000 रुपए बांधे 1 लाख रखो मैंने की हमें नहीं चाहिए चल दिए थे वापसी इनको चाचा जबरदस्ती इनके दे दिया कि चाचा तुम ले जाओ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ जैसे ये भाई बता रहे हैं
तो ये डरे जभी तो उन्होंने 13 लाख दिए। अरे भाई खिताब, और उन्होंने डराया साहब भैया, डराया तो डराया ना। हाँ डराया, क्या बोल के डराया? उन्होंने जी कहा कि भाई तुम्हें अगर 1.5 लाख रुपया लेना है तो तुम यहाँ पर आ जाओ, अपने पैसे लेके चल जाओ। ये तो बोला किसान। हाँ। को क्या बोल के डराया? किसान को अभी यार बता नहीं रहे किसान की, हम सरकारी हैं, हम वो हैं, वो तुम बोले हो, तुम बोले हो तो बोल रहे हैं तुम लियो। दूसरी बार की बात है, जब ये बदमाश है, जब फंसा देता है, दूसरी बार क्यों ट्रेन में चढ़ के आ रहे थे? तो पूरा इनका गैंग है सर। अभी अभी गैंग है पूरा, ये देखिए गैंग है, आप देख सकते हैं। पहले भी जब जेल गए थे तो ये पूरा गैंग देखे, दो केस है बालों ये लड़का, ये ब्लू शर्ट वाला, ये भाई पहले भी जेल गए हो? ये कौन है? किस चीज जेल गए थे? इसी काम पे, इसी काम पे देखो सही से बता रहे हैं। फरवरी 2018 और अगस्त बालोद, बालोद बालोद में कांड किए थे। इनका मोटर सप्रेंड यही है, जैसे भी चलवाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा सीधे मिल जाते हैं। और देखो फुटेज देखिए, अभी यहाँ से बेवकूफ बना रहे थे, ये देखिए फुटेज, ये देखिए पता था कि लूट का पैसा है, गए थे पैसा लेने के लिए। वे कहानी सुना रहे हो मुझे, झूठ बोलते हो? मैं गलती हुई साहब, गई थी, गलती हो गई, कभी जिंदगी में इसको थोड़ी सेवा की आवश्यकता है। ये बताओ तुम